गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रशांत पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं पिरामिड इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के एक और नए प्रोजेक्ट सेक्टर 86 में पिरामिड इलीट को लेकर। आज हम लोग बात करेंगे पिरामिड इलीट के बारे में और साइड व्यू को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। आज हम लोग पिरामिड इलीट की जो साइट विजिट है वो हम लोग गुड़गांव के खिड़की धोला टोल, जिसको हम लोग हल्दीराम टोल टैक्स भी कहते हैं, हम लोग वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी मैं हल्दीराम टोल टैक्स यानी खिड़की धोला टोल पर खड़ा हूं। मेरे पीछे साइड पर अगर आप देख रहे हैं तो खिड़की धोला टोल बना हुआ है। मैंने इस टोल को क्रॉस कर लिया है और अभी मैं जयपुर की तरफ खड़ा हूँ। मैम, इस टोल के अगर मैं उस तरफ की बात करता हूँ मैम, तो मैं आगे बढ़ के गुड़गांव की तरफ जाता हूँ मैम। तो चलिए शुरू करते हैं अपने साइड विजिट को। चलिए शुरू करते हैं अपने साइड विजिट को और हम लोग अपने ऑडोमीटर को जीरो कर लेते हैं और हमने अपने साइड विजिट स्टार्ट कर दिया है। हमारे लेफ्ट साइड में ये इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का सीएनजी पंप है। ये हल्दीराम टोल टैक्स क्रॉस करने के मात्र 100 मीटर के बाद में हमारे लेफ्ट साइड में आते हैं। सामने अगर आप देख रहे हैं कि जयपुर यहाँ से 222 किलोमीटर है, मानेसर 5 किलोमीटर है, वाटिका इंडियन एक्स जो है वो यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे है। जैसे हम हल्दीराम को टोल टैक्स क्रॉस करते हैं तो हमको फर्स्ट फ्लाईओवर जो है हमें इसके ऊपर चढ़ जाना है। और हमारे राइट साइड में ये हयात रिजेंसी होटल है। हम लोग फर्स्ट फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ चुके हैं। फर्स्ट फ्लाईओवर के नीचे से अगर हम लोग राइट टर्न लेते हैं तो राइट साइड में हमारे यहाँ पे डीएलएफ का प्राइमस प्रोजेक्ट है और वाटिका इंडियन एक्स की टाउनशिप है। हल्दीराम टोल टैक्स के बाद में दो फ्लाईओवर मिलते हैं जो हमने पहला क्रॉस कर लिया है। दूसरा फ्लाईओवर हमारे सामने है, इसको हम लोग रामपुरा चौक भी कहते हैं। हम लोग यहाँ पर इस फ्लाईओवर के ऊपर नहीं चढ़ेंगे और यहाँ से हम लोग नीचे से लेफ्ट ले लेंगे और हमने यहाँ से स्लाइड लेफ्ट लिया फ्लाईओवर के साथ साथ नीचे से। और हम लोग फ्लाईओवर के नीचे आ गए हैं, इसको हम लोग रामपुरा चौक कहते हैं। हम लोग यहाँ से राइट टर्न करेंगे सेक्टर 81, 82, 85, 86 के लिए और हमने राइट टर्न लेके करके हम लोग यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे। यहाँ से डीएलएफ की टाउनशिप गार्डन सिटी भी स्टार्ट हो जाती है। और हमारे अब लेफ्ट साइड में ये डीएलएफ का अल्टीमा प्रोजेक्ट है। अल्टीमा प्रोजेक्ट क्रॉस करने के बाद में हमारे लेफ्ट में ये बेस्टेक का पार्क व्यू अनंदा प्रोजेक्ट है। पार्क व्यू अनंदा को क्रॉस करने के बाद में बेस्टेक का दूसरा प्रोजेक्ट बेस्टेक पार्क व्यू ग्रैंड स्पा आ जाता है। हमने इसको क्रॉस करने के बाद में मेरे लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हैं तो पिरामिड का दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है अर्बन होम 2 हमारे लेफ्ट साइड में है। इसका पोजीशन नेक्स्ट 6 मंथ में हो जाएगा। ये सेक्टर 86 में है। और अब हमारे लेफ्ट साइड में ये एसएस ग्रुप का ओमानिया प्रोजेक्ट है। ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है और अब मेरे राइट साइड में अगर बात करते हैं तो सेक्टर 85 है और ये आईडी ग्रुप का ब्रॉडवे प्रोजेक्ट है।
आयरिस ग्रुप के ब्रॉडवे प्रोजेक्ट और एसएस ग्रुप के ओमानिया प्रोजेक्ट को क्रॉस करने के बाद में लगभग 100 मीटर चलने के बाद में एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट आता है। इसमें एक तरफ हमारे लेफ्ट साइड में सेक्टर 86 है, राइट साइड में सेक्टर 85 है, 86 के अपोजिट साइड में सेक्टर 91 और 93 आता है। डायगोनली अगर हम बात करते हैं तो सेक्टर 89 आता है। इस राउंड अबाउट से हम लोग राइट टर्न लेते हैं तो हम लोग द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से लेफ्ट को टर्न करेंगे और हमने लेफ्ट साइड में टर्न करके सेक्टर 86 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। हमारे वैसे लेफ्ट साइड में सेक्टर 86 ही चल रहा है पूरा और हमारे राइट साइड में जो है सेक्टर 91 है। यहाँ पर डीएलएफ का रीगल गार्डन, डीएलएफ का न्यूटन हाइट सेक्टर 91 का प्रोजेक्ट है। हमारे लेफ्ट साइड में सेक्टर 86 का डीएलएफ न्यूटन हाइट्स है। इस रोड को हम लोग मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर भी कहते हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे से मानेसर को कनेक्ट करता है। इस रोड पे प्रपोज मेट्रो भी है। जैसे हमने न्यूटन हाइट्स को क्रॉस किए हैं तो आगे अगेन एक बिग राउंड अबाउट आया है। हम लोग यहाँ से लेफ्ट को टर्न करेंगे। और हमारे लेफ्ट साइड में ये हमारी साइट सेक्टर 86 के पिरामिड इलेट की साइट है। और हमने हल्दीराम टोल टैक्स से 7.8 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 86 में अपनी साइट पर पिरामिड इलीट के। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से पहले हम लोग इस कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बात करते हैं और इस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। पिरामिड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड 2008 में कंपनी फॉर्म हुई थी और 2014 से ये कंपनी जो है अफोर्डेबल के अंदर काम कर रही है। इस कंपनी के गुड़गांव में टोटल अभी तक 7 प्रोजेक्ट आ चुके हैं। इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो मिस्टर ब्रह्मदत्त हैं और मिस्टर दिनेश कुमार जी हैं। जो पहला प्रोजेक्ट था वो सेक्टर 70A में अर्बन होम 1 के नाम से था। दूसरा इनका प्रोजेक्ट जो है वो सेक्टर 86 में अर्बन होम 2 के नाम से है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट का पोजीशन जो है अगले 6 से 8 महीने के अंदर मिल जाएगा। इस कंपनी का जो तीसरा प्रोजेक्ट था वो सेक्टर 67A में अर्बन 67A के नाम से है। इनका जो चौथा प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 70A में पिरामिड फ्यूजन होम के नाम से है। इसका जो पांचवा प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 86 जिसमें हम लोग खड़े हैं पिरामिड इलीट का है। इसका छठा जो प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 85 में पिरामिड हाइट्स के नाम से है। इनका जो सातवां प्रोजेक्ट है वो पिरामिड ब्राइट के नाम से सेक्टर 76 में है। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। पिरामिड इलीट टोटल 5.6125 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 810 अपार्टमेंट हैं। इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस नवंबर 2018 में मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस नंबर 77 है। इस प्रोजेक्ट का बिल्डिंग प्लान अप्रूवल जो है वो 31st of December 2018 को आया हुआ है। इस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर 3 है जो इनको 2019 को मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 7 टावर हैं, जिसमें से टावर 3 की जो हाइट है वो G+12 फ्लोर की है। बाकी सारे टावर की जो हाइट है वो G+14 फ्लोर की हाइट है। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक टावर में एक फ्लोर के अंदर 8 अपार्टमेंट हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 4 टाइप के अपार्टमेंट हैं, जिसमें टाइप ए के 398 अपार्टमेंट हैं, जिसका कारपेट एरिया 581.41 स्क्वायर फीट, बालकनी एरिया 100 स्क्वायर फीट, जिसका टोटल कॉस्ट 23,75,640 रुपीस है। टाइप बी जिसमें टोटल 206 अपार्टमेंट हैं, जिसका कारपेट एरिया 573.55 स्क्वायर फीट, बालकनी एरिया 100 स्क्वायर फीट, जिसका टोटल कॉस्ट 23,44,200 रुपीस है। टाइप सी जिसके टोटल अपार्टमेंट 103 अपार्टमेंट हैं, जिसका कारपेट एरिया 572.27 स्क्वायर फीट, बालकनी एरिया 100 स्क्वायर फीट, टोटल कॉस्ट
23,39,080 रुपीस है। टाइप डी जिसके अंदर टोटल 103 अपार्टमेंट है, जिसका कारपेट एरिया 591.78 स्क्वायर फीट, बालकनी एरिया 100 स्क्वायर फीट और टोटल कॉस्ट 24,17,120 रुपीस है। ये प्रोजेक्ट हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के अंतर्गत का एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट है, जो रेट है, वो 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है वो आपको पे करना होगा कारपेट एरिया के ऊपर, प्लस इसमें आपको जो है 500 रुपीस पर स्क्वायर फीट जो है बालकनी एरिया का पे करना होगा आपको। इस प्रोजेक्ट का जो पेमेंट प्लान है, जिसमें आपको बुकिंग अमाउंट 5% पे करना होगा, अलॉटमेंट के टाइम पे इसमें आपको 20% की पेमेंट करनी होगी और 12.5% की 6 इंस्टॉलमेंट हर 6-6 महीने में टोटल 36 महीने में आपकी जाएंगी। इस प्रोजेक्ट का जो पोजीशन का जो टाइम है वो 4 साल का है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2000 स्क्वायर फीट का कम्युनिटी सेंटर और 2000 स्क्वायर फीट का क्रच कम आंगनबाड़ी एरिया भी है इसके अंदर। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल प्रोजेक्ट एरिया का 4% कमर्शियल एरिया है, जिसके अंदर आपको कमर्शियल दुकानें आपको मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.67 लाख रुपीस की सब्सिडी भी आपको इसके अंदर मिल सकती है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी और सराउंडिंग डेवलपमेंट्स के बारे में। इस प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी है, जिसमें आपको एक एक्सेस जो है आपको 75 मीटर रोड से मिलता है आपको, साथ ही साथ सामने आपका जो है वो मल्टी यूनिटरी कॉरिडोर है जो यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के जस्ट अपोजिट जो है वो सेक्टर 87 है, जो एक पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर है, जिसके अंदर मैक्सिमम जो लैंड है वो इंस्टीट्यूशनल बेल्ट के अंदर आता है। इस प्रोजेक्ट के अगर बैक साइड की बात करते हैं तो डीएलएफ का न्यू टाउन हाइट्स प्रोजेक्ट है, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो डीएलएफ का स्काई कोर्ट अपार्टमेंट है। इसके अलावा जस्ट बगल में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अंसल हाइट सेक्टर 86 का प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ इसके बैक साइड में आपके माइक्रोटेक का ग्रीनबर्ग अपार्टमेंट्स है, जिसका पोजीशन ऑलरेडी हो चुका है। इसी सेक्टर के अंदर पिरामिड का जो दूसरा प्रोजेक्ट था अर्बन हम 2, उसका भी प्रोजेक्ट है, जिसका पोजीशन जो है इस साल के एंड तक आपको मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको हर अपार्टमेंट के साथ में एक डेडिकेटेड 2-व्हीलर की पार्किंग मिलेगी और 4-व्हीलर की सफिशियंट पार्किंग स्पेस भी होगा। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर सफिशियंट जो है किड्स प्ले एरिया और पार्क भी इसके अंदर है। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही आपका कोई सजेशन हो, कोई आप नया वीडियो चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेरा नंबर जो है ये नीचे लिखा हुआ है, मेरा नंबर है 9711178605। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नीचे लिखे हुए नंबर पर। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी नए प्रोजेक्ट में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।